तो भाई कहानी अब ये है कि मैंने रिक्वेस्ट की और मुझे जो ऑनर है हेडक्वार्टर जिम के, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप आ जाएं। अभी यहाँ पर जिम वैसे तो बंद है, लेकिन सिर्फ गेट टुगेदर है, कोई एक्सरसाइज करने नहीं आ रहा है, स्टूडेंट या कोई भी नहीं है। सिर्फ मिलना था मुझे, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप इसरार मलिक मामू जो हैं उनसे बात करें आप, तो सोचा कि चलो आज फिर मुलाकात करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो बात करेंगे। आई होप कि ये ब्लॉग फिर से बेस्ट होने वाला है। जो अभी वो डाइटिंग पे चल रहा है इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, अदर्स क्या है उनके नेक्स्ट प्लान वो भी हम बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं और मिलते हैं मामू के साथ, तब तक के लिए बाय। मतलब पता है एक बात होती है, मुझे पहले बहुत डरता हूँ कि यार गुस्सा नहीं आ जाए, क्योंकि मैंने उनका गुस्सा देखा हुआ है। तो लगता है कि बॉडी बिल्डर का आपने आपका एक वो भी देखा मैंने ब्लॉग, उसमें टॉपिक ये था कि बॉडी बिल्डर को गुस्सा क्यों आता है। जुबेर भाई तो उसका टॉपिक ये था, मुझे आज भी याद है, उसका टॉपिक ये था बॉडी बिल्डर को गुस्सा क्यों आता है। अब इशाक भाई आप वीडियो देख रहे हो ना, आपके बारे में बात करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने आके बोला कि यार वो फादर ऐसी बात है यार आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब आप सेलिब्रिटी हैं, मतलब ये कोई और मिलना चाहता है? हाँ, जैसे मुझसे बोलते हैं यार वो आपके फादर से मिलना है, या उनके पेरेंट्स बोलते हैं एक्चुअली उसके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो, या फिर उनके पेरेंट्स, और कई बार उनकी स्कूल की टीचर्स भी, यार तुम्हारे पापा से मिलना है। तो वो ठीक है, मतलब मेरे लिए वो नॉर्मल है, बिकॉज कजिन्स वगैरह भी रहते हैं, दोस्त है यार वो आपसे मिलने आ गया, आप जरा उससे मिल लो या उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करा लो, तो ऐसा होता रहता है, ऐसा होता है। अच्छा, वो यूपी जा रहे थे तो उधर एक ढाबे पर खाना खाने, तो वहाँ पे बच्चे जो सर्व कर रहे हैं वो भी पहचानते हैं, तो है ना, और बच्चे हमारे बच्चे बोलते पापा बताओ ये भी आपका फ्रेंड है, तो ये एक नॉर्मल चीज है, ऐसा होता है जी। और ज्यादा सब भूखा रहता है, तो आपने वो एड देखा हुआ धोनी का स्नीकर का एड है ना, गुस्सा करता है, स्नीकर का कूल हो जा, मतलब जब इंसान भूखा रहता है, पेट भरा हुआ नहीं होता, तो चिड़चिड़ाता है, हैंडराइटिंग में उसका मैटर है, तो वो तो चलता है, बॉडी बिल्डरों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती भाई। सीरियसली जितने लोगों से मिला ना 90% इंक्लूडिंग मी, बॉडी बिल्डर्स की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। और फिर मैं उनको बताया कि डॉक्टर नहीं बनना, तो ठीक है तुमको जो बनना है तुम वही बन जाओ, ये तो नहीं बता सकता था कि बॉडी बिल्डर बनना, पर दोबारा घर से बता दूंगा मुझे वो कि तुम भागी जाओ, उससे अच्छा बॉडी बिल्डर बनने से अच्छा है। नहीं, मैं तुम्हें कभी भी बहुत अच्छा नहीं था, मैं आपको बताऊँ, फिफ्थ और सिक्स क्लास तक तो मैं सबसे अच्छा था क्लास में, सबसे अच्छा। फिर उसके बाद जो है मैं क्रिकेट खेलने लगा, नाइन्थ आते आते मैंने जूडो ज्वाइन करा, उसमें नेशनल खेला, तो स्पोर्ट्स में चला गया, तो पढ़ाई थोड़ी पिछड़ी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि फेल हुए हो या ये परवाह करनी पड़ी होगी यार ऐसा नहीं फेल हो जाए, यकीन था कि नहीं होंगे, इतना जरूर पढ़ लेते थे कि पास हो जाए। ट्वेल्थ में भी यूसी 12th पर मेरे 58% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से थे, तो सभी लोगों को लगता था कि सब डॉक्टर ये भी डॉक्टर बनेगा जी जी। तो 12th तक तो किसी तरह उन लोगों ने, जब तक उनके कंट्रोल में थे कि नहीं तुमको साइंस ही लेनी है और तुमको डॉक्टर ही बनना है, मतलब प्रेशर जब तक तो बच्चा कंट्रोल में भी रहता है घर वालों के 10th 12th तक, तो उसके बाद कॉलेज में आने के बाद थोड़ा उसको लगता है नहीं मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, इट्स माय लाइफ, और मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे डॉक्टर बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी तो इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरा एडमिशन करा दिया साइंस में। हाँ, फिर वहां से भाग गया,